हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। दिस इज अंजलि एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर। तो अगर आज की वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, बीच में स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो करते हैं स्टार्ट, जो है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, और हमारे बॉडी का क्या है? ऑर्गन। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो स्टार्टिंग करते हैं गॉल ब्लैडर के डायग्राम से। सो आई होप कि आपको पता होगा कि ये डायग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये ऊपर का क्या है, इसोफेगस है, जहां से हम खाना खाते हैं तो वो खाना पास होता है, हमारे स्टमक में जाता है। ये क्या है? स्टमक है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो है वो क्या है? लिवर है। और इसके बिल्कुल लिवर के बिल्कुल नीचे ये जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। ये है गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर आप देख रहे हो राउंडेड स्ट्रक्चर का, एक्चुअली ये पूरा इसका जो स्ट्रक्चर ये पूरा नहीं है, ये हाफ है। जो आधा है बाकी वो इस लिवर के पीछे ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस गॉल ब्लैडर का जो डायग्राम है वो मैं पूरा आपको बना के दिखाती हूँ अलग से। तो इतना तो आपको क्लियर है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है गॉल ब्लैडर की। ये जो लिवर है लिवर के बिल्कुल नीचे होगी और स्टमक के राइट साइड पे होगी, ठीक है। स्टमक के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। मैंने यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बनाया है, वो यहाँ पे आपको शो होता है डायग्राम में। तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसे कहते हैं ड्यूडिनम। क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये भी इन्वॉल्व हो रहा है हमारे आज के टॉपिक में। तो ठीक है, सबसे पहले गॉल ब्लैडर को मैं एक पूरा स्ट्रक्चर उसका मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों ने बना लिया गॉल ब्लैडर। देखिए ये जो हाफ पोर्शन दिख रहा था ये नीचे का ये वाला, ठीक है, ये हाफ पोर्शन दिख रहा था ये मैंने पूरा ऊपर से बना लिया। देखिए ये है गॉल ब्लैडर, इसका जो ये पोर्शन है इसे कहते हैं फंडस, सेंटर वाले पोर्शन को बोलेंगे बॉडी, और ये जो नैरो हो जाता है यहाँ पे आके पोर्शन इसे कहेंगे नेक। इसके बाद यहाँ पे एक वाई शेप की पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये कहाँ पे चला जाएगा? मान लीजिए ये गॉल ब्लैडर हम यहाँ पे रखते हैं और ये वाई शेप जो है वो यहाँ पे बनाया नहीं है, बनाते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अगर बनाएंगे तो यहाँ पे वाई शेप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगा जो कि लिवर के अंदर जा रहा है, और इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे आकर ऐसे ड्यूडिनम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया सेम ऐसे वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए इस पाइप को भी हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेबलिंग कर लेते हैं। यहां से मैं इसोफेगस जो है वो इरेज कर रही हूँ। तो ये जो वाई शेप का ऊपर का है इसे हम बोल देंगे हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट, DOCT। उसके बाद ये जो गॉल ब्लैडर है और ये हिपैटिक डक्ट जो है, ये वाली पाइप, इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन बन रहा है ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशन है यहाँ की, ठीक है। मतलब ये यहां से ओपन होता है और क्लोज होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? एक फ्लूइड टाइप कुछ भरा होता है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जो फ्लूइड होता है वो इस पाइप में जाना होता है। तो पाइप में जाने के लिए यहाँ पे पहले रास्ते में इसे इस चीज को पार करना होता है, इस पोजीशन को पार करना होता है जो कि खुलता है और बंद होता है। जब इस लिक्विड, इस फ्लूइड को आगे जाना होता है तो ये ओपन हो जाता है, और जब ये एम्प्टी रहता है गॉल ब्लैडर तो ये चीज क्लोज रहती है, ठीक है। तो इस पोजीशन को बोलते क्या है? तो इसे हम मार्क कर लेंगे सिस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। अब ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के बाद ये जो पोर्शन बन रहा है कॉमन सा, एक कॉमन सी पाइप निकल के आ रही है, ये दोनों को जोड़ने के बाद कॉमन सी पाइप हो जाती है। तो इस कॉमन पाइप को सीधा हम यही बोल देंगे कॉमन डक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन डक्ट। तो ये तीनों डक्ट के बारे में आपको पता चल गया। तो चलिए जल्दी से इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जैसे कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो एक ऑर्गन है, मैं आपको बता चुकी हूँ हमारी बॉडी का क्या है, ऑर्गन है। इसका शेप कैसा होता है? लॉन्ग ओवल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लॉन्ग ओवल होता है या फिर पियर शेप का हो सकता है। इसके अलावा इसका साइज जो होता है वो कितना होता है? साइज अबाउट 4 सेंटीमीटर के करीब होता है।
और इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है वो होती है 50 ml की, ठीक है। कैपेसिटी मींस मैंने बताया कि इसमें एक फ्लूइड फिल होता है, तो वो फ्लूइड कितना फिल हो सकता है, 50 ml तक, ठीक है। ये होगी इसकी कैपेसिटी। साइज 4 cm है, पर ये साइज जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। और कितना हो सकता है, 10 cm तक। मीन्स की साइज जो है वो वेरी करता रहता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन 10 cm से ज्यादा साइज इसका नहीं हो सकता किसी में भी, ठीक है। तो 10 cm जो है वो इसका लास्ट साइज है, और जो एवरेज होता है वो कितना है, 4 cm का। इसकी जो वॉल की थिकनेस होती है, वॉल की थिकनेस क्या होता है, मोटाई। वॉल की जो थिकनेस होती है, थिकनेस कितनी होती है, 3 mm, ठीक है, 3 mm की थिकनेस होती है। और ये छोटी छोटी जो चीजें थी, दो चार चीजें इसके बारे में मैंने आपको बता दी है। और पोजीशन आपको पता चल गया है कहाँ पे होता है, लीवर के बिल्कुल नीचे होता है और स्टमक के राइट हैंड साइड पे। तो चलिए इसकी वर्किंग एंड फंक्शंस के ऊपर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले लीवर की बात करूंगी। लीवर में एक जूस बनता है, जूस, यस, लीवर भी एक जूस बनाता है। तो लीवर में मिक्सी तो नहीं होती, लेकिन इसमें एक जूस बनता है जिसे कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बनाता लीवर है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये बाइल जूस होता क्या है, बाइल जूस तीन चीजों का मिश्रण होता है। तीन चीजें कौन कौन सी है, पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है बिलिरुबिन, तीसरा है बाइल सॉल्ट्स। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मिलाकर जो है लिवर वो ग्राइंड करता है और क्या बना देता है, बाइल जूस, ठीक है। ये बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में आपको पता चल गया कि बाइल जूस क्या होता है, तीन चीजों से मिलकर बनता है, कौन बनाता है, लिवर बनाता है। अब ये बाइल जूस का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में बाइल जूस का काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करना। अब ये बाइल जूस जो होगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करेगा, तो इस तरह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा। तो होता क्या है, लिवर बाइल जूस बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो डक्ट प्रेजेंट है ना, जो मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर का ये जो ऊपर का वाई शेप वाला डक्ट है, हेपेटिक डक्ट कहते हैं जिसे, ये क्या है, हेपेटिक डक्ट हमारे लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके साथ अटैच होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो लिवर है वो जूस बनाएगा और इस हेपेटिक डक्ट से जूस एंट्री करके हेपेटिक डक्ट के थ्रू वो गॉल ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो ये जो बाइल जूस है लिवर में बनाया, उसके बाद हेपेटिक डक्ट से ये चला गया गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर जो है वो फिल हो गया विद अ फ्लूइड नेम्ड बाइल जूस, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। जब हमने खाना नहीं खाया है, ठीक है, जब हमने खाना नहीं खाया है, गॉल ब्लैडर है वो पूरा बाइल जूस से फिल रहता है, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही इसके पास सिग्नल जाता है कि भैया खाना आ रहा है ऊपर से, तैयार हो। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो इसे सिग्नल मिल जाता है कि खाना आने वाला है। गॉल ब्लैडर क्या कहता है, जब खाना आएगा तो मैं अपना ये जो बाइल जूस है उस खाने के साथ मिक्स करूंगा और इसके बाद जो आगे की जो प्रोसेस है वो अपना बाइल जूस करेगा, यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करेगा और हमारे जो खाना है उसे डाइजेस्ट करेगा। तो ये गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिल गया कि खाना आने वाला है। तो जैसे ही खाना हम खाते हैं, ये गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल जूस को आगे सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन डक्ट में भेज देगा, यानी कि रिलीज कर देगा। तो जब बाइल जूस को ये गॉल ब्लैडर रिलीज कर रहा होता है, तब ये सिस्टिक डक्ट वहां पे ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले, ठीक है। जब तक नहीं रिलीज हो रहा यहां से जूस, तब तक ये जो सिस्टिक डक्ट है वो क्लोज रहेगा। जैसे ही खाना हम खाना स्टार्ट करेंगे, इसको सिग्नल जाएगा गॉल ब्लैडर को और ये अपना सिस्टिक डक्ट ओपन करके फ्लूइड को कॉमन डक्ट में भेजेगा। और ये कॉमन डक्ट जो है वो किसके साथ अटैच है, मैंने बताया आपको ड्यूडिनम से, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे स्टमक के बाद जो खाना ड्यूडिनम में ही जाता है ना सबसे पहले, तो यहाँ पे जो खाना आकर वेट करता है कब बाइल जूस आएगा और हमारे फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो जैसे ये खाना यहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद बाइल डक्ट की बाइल जूस की एंट्री होती है इस कॉमन डक्ट से, जो कि यहाँ पे है कॉमन डक्ट, बाइल जूस की एंट्री होगी, यहाँ पे खाने के साथ मिक्स होता है, उसके बाद फैट को डाइजेस्ट करता है ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो इतनी सी कहानी है इसकी। तो इससे क्या होता है, हेपेटिक डक्ट का फंक्शन हमें पता चलता है कि इसके लेफ्ट एंड राइट साइड के दो बाजू हैं, जो कि कॉमनली हम इसे कह सकते हैं कि हेपेटिक डक्ट है ये। तो हेपेटिक डक्ट का काम हो गया, फंक्शन क्या हो गया, जो बाइल जूस है उसे प्रोड्यूस करना, ठीक है, लिवर से लेके वो गॉल ब्लैडर में भेजना है, तो बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम हो गया हेपेटिक डक्ट का।
सिस्टिक डक्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मार्क रासा, उसके बाद है कॉमन डक्ट जो इन दोनों डक्ट को आपस में मिलाना है, कॉमन डक्ट कह देते हैं। और कॉमन डक्ट का जो काम है वो क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना और रिलीज करना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब तक खाना नहीं आ रहा है वो उसको स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, जैसे ही सिग्नल मिलता है वो वहां से रिलीज कर देता है जूस को, और वो जाता है सीधा ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम में जब खाना आता है स्टमक से होता हुआ तो वहां पे फैट को डाइजेस्ट कर देता है उसे ब्रेक डाउन करके। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर एक सीरीज से कनेक्ट होता नजर आ रहा है, जो कि उस सीरीज को कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट को समटाइम्स बिलियरी ट्रैक भी बोल देते हैं, बिलियरी सिस्टम भी कह देते हैं, या फिर बिलियरी ट्री भी कह देते हैं। ये ट्री टाइप ऐसा बना हुआ है शायद, इसलिए इसे बिलियरी ट्री भी बोल देते हैं। तो ये अगर आपको यहाँ पे ये सारे वर्ड्स कहीं में देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा इसी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये पाइप वाला सिस्टम हो गया, जैसे पाइपें बिछी होती हैं। ठीक है, एक से एक के साथ दूसरा कनेक्ट होता है, पानी की पाइपें नहीं होती है, ऐसे ऐसे इधर से एक टंकी में जा रहा होता है, एक इधर टैप में आ रहा है, नल के पास आ जाता है, वैसे एक पाइप सिस्टम बन गया यहाँ पर। तो इसे आप लिख भी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, आप एग्जाम में लिख सकते हो कि एक पाइप सिस्टम है यहाँ पे, सही में लिखना है, मैं मजाक नहीं कर रही। तो जैसे ही बाइल जूस ने यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट किया, धीरे धीरे ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है पूरा। उसके बाद फिर वेट करता है गॉल ब्लैडर अपने आप को फिल करने के लिए बाइल जूस के साथ। तो धीरे धीरे उसके बाद लिवर जो है फिर से दोबारा से बाइल जूस बनाता है, ग्राइंड करता है इन तीन चीजों को, और उसके बाद जूस बनाने के बाद इसमें गॉल ब्लैडर में सेंड कर देता है, किसके थ्रू, ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू। और उसके बाद फिर से जब हम खाना खाते हैं ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको सिग्नल मिल जाता है और ये अपना बाइल जूस देता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जाता है ड्यूडिनम में, और फूड को डाइजेस्ट करता है फैट को। जो मेन जो बाइल जूस का काम हो गया वो क्या हो गया, हमारे फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करना, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह से ये वर्क करता है। छोटी सी वर्किंग है, आई होप कि आप सबको ये वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।